दैनिक भास्कर क्विज में जीते हुए रुपयों को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के जरिए हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड देखिए ताकि आप सभी लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास 2.0 में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही होगी, जब भी हम दैनिक भास्कर के अंदर रुपए को भाई निकालते हैं, जो भी अमाउंट हम जीतते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सिर्फ उसको पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने दैनिक भास्कर की एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको दैनिक भास्कर की एप्लीकेशन को अपडेट करना है। उसके क्या करना है, जो पैसे निकाले का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिंपल सा टैप करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर टैप करेंगे, इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ यहां पर पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन आता था, अब यहां पर एक और ऑप्शन आ चुका है, बैंक अकाउंट निफ्ट यूपीआई का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर देखो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री सब कुछ बता रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ने का जो ऑप्शन है यहां पर सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपका भाई कोई ब्राउजर जो भी है आपका उसको ऑन कर लेना, अपना क्रोम ब्राउजर ऑन कर देना, क्योंकि क्रोम ब्राउजर जहां तक मुझे लगता है कि भाई सेफ है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर पर एक नया पेज ओपन होता है और यहां पर दिखा रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई योरसेल्फ। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो कंटिन्यू टू वेरिफिकेशन करके नीचे ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर आपको दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं आप देखो भाई हमको ओटीपी डालना पड़ेगा, जो ओटीपी हमको आ रखा है। ठीक है, तो जैसे मेरा ओटीपी आ रखा है, मैं वो ओटीपी यहां पर डाल रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं, और वही वैसे ही आपको लिखना है। ओटीपी डालने के बाद इसको क्या करना है, नीचे सबमिट ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा, यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करो, यहां पर देख सकते हैं ओटीपी हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहां पर पूछा कि आपके बैंक अकाउंट का नंबर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी आप बात है, हमारे पास यहां पर है तीन ऑप्शन। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, फिर आपको अपना आईएफएससी डालना पड़ेगा, उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम। अगर दोस्तों अगर आपके पास यूपीआई आईडी है तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी, उसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कर दी है। उसके बाद नीचे देखो नेक्स्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको सिंपल सा टैप करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप करते ही यहां पर देखो कन्फर्म एंड सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या दिखा जाएगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल दी जाएगी कि हाँ भाई बस दोबारा से चेक कर लो कि आपकी जितनी भी डिटेल है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर आपने बिल्कुल सही डिटेल फिल कर रखी है तो आपको नीचे कन्फर्म डिटेल्स के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर बोल रखा है प्रोसेसिंग पे आउट। थोड़ी देर में यहाँ पर देख सकते हैं पे आउट कंप्लीटेड करके यहाँ पर ये आइकन आ जाएगा। उसके बाद हम आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी दिखा देते हैं कि हाँ भाई हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हुआ या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे भाई ये हिस्ट्री दिखाता हूँ मैं आप लोग को, तो ये देखो रिसीव्ड फ्रॉम RZPX प्राइवेट लिमिटेड 60 rupees। ठीक है, तो ये मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। और एक और छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूँ, अगर आप लोग दैनिक भास्कर और दिव्या भास्कर के अलावा भी अर्निंग करना चाहते हो तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक न्यू अर्निंग एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, मतलब कि एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, उससे भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।